जय जगन्नाथ स्टूडेंट्स, स्वागत करुच्छी रश्मि ट्यूटोरियल को। तो आपण मानकर प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर पई आमे डिजास्टर मैनेजमेंट रो जिते सारा शॉर्ट क्वेश्चन थिला आपण मानकर फिल इन द ब्लैंक्स हैला वन वर्ड वाला हैला आउ दुई मार्किया सबु सारी देइछंती। जेहेतु आपण मानकर इंटरनल एग्जाम पाखे आसिलानी सेति पई आपण माने समस्त रिक्वेस्ट करथिले कि सबु चैप्टर प्रथमे आपण शॉर्ट क्वेश्चन सारी दियंतु देन आमे लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट रो जहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन थिला ऑलरेडी मु तीनटा क्लास रे सारी देछि। आपण माने प्लेलिस्ट को विजिट करंतु 2024 ईवीएस प्लेलिस्ट सेठी आपण माने तीनटा जगह क्लास पाइबे सेटा को देखी दिंतु। 2x स्पीड रे जदि आपण माने दुई थर देखी दौंस सब गुड़ाक मन रही। तो आज क्लास रे आमे यूनिट वन जोटा कि आपणकर परिवेश चैप्टर रो आमे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन आम डिस्कशन करिबा जोटा कि आपणकर एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आपण माने समस्ते गोटे गोटे शेयर कर दिंतु माने क्लास स्टार्ट करिबा पूर्वर आउ समस्ते कॉपी आउ पेन धरिकी बसी जांतु जोटा भी मु इम्पोर्टेंट कहिबे आपण माने संगे संगे कॉपी रे लेखी देबे। ठीक अछि, फर्स्ट पढ़िबा पूर्वर मु आपण मानकु कहि रखे परिवेश कौन। परिवेश आपण माने जानिथिबे इंग्लिश रे आमे ताकु एनवायरनमेंट कहंती। ठीक अछि, फर्स्ट जदि कहिबा परिवेशर संज्ञा, परिवेश काहाकु कहिबा। जीवजगत बास करुथुबा स्थान रे भौतिक रासायनिक और जैविक अवस्था हेउची जीवर परिवेश। आम चारिपाखरे आमे जेते भी प्राकृतिक जिनस देखुचंती किंबा कृत्रिम जिनस देखुचंती माने जहाँ आम चारिपाखरे सब अच्छी से गच्छ लता हो पहाड़ पर्वत हो खाता बही हो माने जीव हो निर्जीव हो सेगुडा को लेके आमे आम परिवेश कहिबा। ठीक अछि, जेमती कि आपण मानकर समस्त प्रकार गोटे गोटे अवस्था थाए से जीव हो कि निर्जीव हो परिवेश काहाकु कहुवाजे आपण माने एटा जानिछंति। जदि कहिबा परिवेशर प्रकार भेद, एक्चुअली आपण मानकर परिवेश को दुई भागर विभक्त करा जायछि। गोटे होउछि आपण मानकर कोण, फर्स्ट जदि कहिबा परिवेश आपण मानकर जो दुई प्रकार प्राकृतिक परिवेश गोटे कोण, गोटे होउछि प्राकृतिक परिवेश। आउ जदि कहिबा सेकेंडटा आपण मानकर जोटा कि मानवीय परिवेश। परिवेश काहाकु कुहा जाय जानले, एबे परिवेशर प्रकार भेद जानले। ठीक अछि, जदि कहिबा परिवेश आपण मानकर दुई भागरे विभक्त, गोटे होउछि प्राकृतिक परिवेश, गोटे होउछि मानवीय परिवेश। हेला, तापरे आमे लॉन्ग क्वेश्चन तो डिटेल्स पढ़िबा प्राकृतिक परिवेश काहाकु कुहा जाय, मानवीय परिवेश काहाकु कुहा जाय। तो एबे आमे जिबा शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर को। आपण माने जानिथिबे परिवेश माने आपण आगर पढ़िथिबे स्कूल टाइम रे, इजी हबो चैप्टरटा, एते भी कष्ट नहि। आपण माने जानिथिबे जो क्वेश्चन स्किप करके आग को पळेबे, आ बाकी आपण मानकर ए क्वेश्चन गुडा कर हि आपणकर आसुची माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मु टैली करके आपण मानक सहित डिस्कशन करबी। ठीक अछि, तो देरी करबानी, चलंतु स्टार्ट करबा। कहिछि पेरिस चुक्ति डैश प्रसंग रे होइथिला जोटा कि आपणकर ओजन गैस को लेकिन चुक्ति होता। ठीक अच्छे, पेरिस रे। नेक्स्ट नंबर टू जदि कहिबा डैश साहाज्य अम्लता मपा जाए, यहाँ भेरी भेरी इम्पोर्टेंट मन रखिथे, ग्रे साहाज्य अम्लता मपा जाए। नंबर थ्री, क्लोरोसिस रोग डैश को होता है, क्या हुए क्लोरोसिस रोग, यहाँ गोटे भेरी भेरी इम्पोर्टेंट मन रखिथे। एमती आसीपा क्वेश्चन क्लोरोसिस रोग क्या होता है किंबा वृक्ष को क्यों रंग क्यों रोग हुए, भितर क्यों रोग हुए, चार्टा ऑप्शन दे दी आपन को गोटे चूज कराक पड़ो। ये टाइप मन रखिथे वृक्ष को बा गच्छ को आपणकर क्लोरोसिस रोग हुए। तापर चारि नंबरटा, चारि नंबर कथा जदि आम कह मीनामटा रोग डैश द्वारा सृष्टि होता है माछ द्वारा है। पुष्करिणी रे बा पोखरी रे डैश अधिक हेले जल प्रदूषित होता है। आपण मानकर जदि आम कह नॉर्मल जो ओडिया कथा जदि आम स्कूल टाइम जो पढ़ी बीओडी तो देखिए ये आप बीओडी तो मुझेदेवि आपण मानक फुल फॉर्म बाकी ओडिया आम जब कह आपण मानकर पोखरी रे गाई गोरु गाधेले
ବାସନ ମଜାମଜି କଲେ, ଯେତେ ସବୁ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ୟୁଜ୍ କରେ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ପୋଖରୀ ଆପଣଙ୍କର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ହେଲା, ପୁଷ୍କରିଣୀ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ। ବିଓଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏବେ ଆସୁଥିବ, ବିଓଡ଼ି କ'ଣ, ବିଓଡ଼ିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବାୟୋକେମିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଓଡ଼ିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ, ମେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟାକୁ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଛଅ ନମ୍ବର କଥା ଯଦି କହିବା, ଛଅ ନମ୍ବର କହିଛି ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦହନ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ନାଇଟ୍ରିକ୍। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କହିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ଯଦି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା କହିବା NO, ବାସ୍ ମନେ ରଖିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ କପିରେ ଲେଖିଦେବେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନଲେଜ୍ ମିଳିଯିବ। ବିକିରଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବିକିରଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚର୍ମ କର୍କଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଏଥର ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆଠ ନମ୍ବର କହିଛି, ଆଠ ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିଦେଉଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଜଳକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମସିହାରେ ମୌଳିକ ମାନବାଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ମନେ ରଖିଥିବେ 2002 ମସିହାରେ ମୌଳିକ ମାନବ ଅଧିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ନଅ ନମ୍ବର ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଟର୍ ଯେଉଁ କହିବା, ମନେ ରଖିଥିବେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଅଣସଂକ୍ରାମକ ନୁହେଁ, ପଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାଟର୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10 ନମ୍ବର, ଅମ୍ଳ ଓ ଆଇକାଲାଇନ୍ ଯୁକ୍ତ ଜଳ ମୃତ୍ତିକାର ଡ୍ୟାସ୍କୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ମନେ ରଖିଥିବେ ମୃତ୍ତିକାର ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତିକୁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର, ଡ୍ୟାସ୍ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ନେଇକି 120, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର 12 ନମ୍ବର, 12 ନମ୍ବର କହିଛି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଶବ୍ଦକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ, କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ୱାର୍ଡ଼ଟି ହେଲା, ଏଇଟାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ କିଏ ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଷ୍ଟାର୍ ମାର୍କ ଦେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି କହିବା ରବର୍ଟ ଆଙ୍ଗୁସ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଆଣିଥିଲେ, କିଏ ଆଣିଥିଲେ, ରବର୍ଟ ଆଙ୍ଗୁସ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ବା ଏସିଡ଼୍ ରେନ୍ ହେଲା, ଏସିଡ଼୍ ରେନ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର, ଗନ୍ଧକ ଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଟେ, ଗନ୍ଧକ ଚକ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ ଯଦି କହିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଲଫର ଚକ୍ର ବା ସଲଫର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ, ଗନ୍ଧକ ଚକ୍ରର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ନାମ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର, ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ପେଡ଼ୋଲୋଜି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଶିଳା ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରକାରର ଅଟେ, ମନେ ରଖିଥିବେ 3 ପ୍ରକାରର ଅଟେ, ଶିଳା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ ତରାଇ ମୃତ୍ତିକା ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ, ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର କଥା ଯଦି କହିବା, ଜଳର ଆଣବିକ ସୂତ୍ର, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଯଦି ପଚାରିବା କ୍ଲାସ୍ 8-9 ପିଲା କିମ୍ବା 7 ସେମାନେ କହିଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର H2O, ଜଳର ଆଣବିକ ସଙ୍କେତ କ'ଣ, H2O। କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ସଙ୍କେତ ପଚାରିଥିଲା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଲାବେଳୁ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯଦି ବି ପିଲାବେଳୁ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଏବେ ବି ପଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବହିରୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 18 ନମ୍ବର, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଶତକଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର 21 ଭାଗ ଅଛି, ବାକି ଯଦି କହିବା ଅଦର ଗ୍ୟାସେସ୍ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 78%,
कार्बन डाइऑक्साइड कथा जदि कहिबा एगुडा को एक्स्ट्रा नॉलेज गुडा का अपन माने लेखिक रखिथिबे जानिथिबे तो बढ़िया कथा जदि न जानिछथि लेखिक रखिबे कार्बन डाइऑक्साइड कथा जदि कहिबा 0.04%। नेक्स्ट आपण मानकर ऑक्सीजन तो 21%, अदर गैसेस जुडा का रहिला एंड वाटर वेपर्स एडी लेखि दउछि हला आपण मानको इजी हबो मे बी आपणकर ऑक्सीजन न आसी कि एउडा जदि पळे आसीबो आपण माने जदि लेखिक रखिथिबे आपणकर गोटे भी क्वेश्चन भूल हबो नाही भल मार्क आपण माने रखि पारिबे अदर गैसेस एंड वाटर वेपर्स जोटा कि आपणकर 0.96% हला ए तीनटा जाक आपण माने लेखि रखिथांतु। नेक्स्ट 19 कौन कही आपण मानक देखु जीवर श्वासक्रियापाई गैस आवश्यकता अधिक अटे एटा ओब्वियसली आपण मानक अम्लजान ये आपण माने जानी मत कह पड़े ना शब्द डैश एकक मपा जाए डेसिबल साउंड जोटा कि आपण माने जानिथिबे। नेक्स्ट 21 वायु रे मुख्य उपादान के आपण माने जानी अम्लजान और जबखारजान ए दुईटा केते परसेंट बाहर अच्छा मत कहतु वायुमंडल मुझे कहली मत कमेंट करते आप जीव विज्ञान डैश और डैश को नहीं गठित प्राणी और उद्भिद को नहीं जीव विज्ञान गठित 23 कथा जी कह रूसिया रे परिवेश शिक्षा संपर्कित सम्मेलनी डैश मसीह होता 1977 मसीहारे होइतिला केबे होइतिला 1977 मसीहारे 24 श्रीमती वांग्री माथाई डैश मसीहारे नोबेल पुरस्कार पाइथिले 2004 रे केबे पाइथिले 2004 रे जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपण मानको माइंड रे आसुथिबो श्रीमती वांग्री माथाई किए से जने एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थिले आउ आफ्रिकन रो से वुमेन जने थिले ब्लैक आफ्रिकन वुमेन जे कि 2004 रे नोबेल प्राइज पाइथिले। तापरे नेक्स्ट जदि कहिबा वायु प्रदूषण नियंत्रण आइन डैश मसीहारे होइतिला केबे होइतिला 1972 मसीहारे 26 जल प्रदूषण वाटर पल्यूशन नियंत्रण आइन डैश मसीहारे होइतिला 1934 मसीहारे मसीहा गुड़ाक आपण माने एमती लिखिदेवे 2004 एटा देन लिखिदेव 1972 एटा एमती लिखिक घुसले ना आपण मानकर गुड़ा हेइजिबो 27 स्टॉक होम समिति डैश मसीहारे गठित होइथिला 1987 मसीहारे आपणकर गठित होइथिला ठीक अछि। तापरे 28 चेर्नोबिल डैश देशर अवस्थित रूसिया देशर 29 डैश मसीहारे भोपाल गैस दुर्घटना होइतिला 1984 एटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत थर एग्जाम आसीचे क्वेश्चन टी। तापर 30 डैश गैस भोपाल गैस दुर्घटना पई दाई एमआईसी कौन आपण माने मते कमेंट करी कहबे तो न कहि पाले मु नेक्स्ट क्लास रे आपण मानको पई नेके आसीबी एमआई मु आपण मानको कहि दउची एमआईसी रो मिथाइल आइसोसियानेट लिखि दियंतु छ असुविधा नाही आपण माने कमेंट करी था ना आपण मानको आइसो सियानेट ठीक अच्छे यहाँ हूँ एमआईसी फुल फॉर्म तो ये थिला आपण मानको पाई टॉप 30 क्वेश्चन परिवेशर नेक्स्ट क्लास रे बाकी आपण मानको पाई टॉप 50 क्वेश्चन मु नेके आसीबे ठीक अच्छे सेकंड क्लास रे ए क्लास टा को आपण माने बहुत मात्रा रे शेयर करंतु मते भी मोटिवेट लागिबा आपण मानको पाई एंती रेगुलर सब क्लास नेके आसिया पाई ता सहित आपण मानको पाई इथिक्स एंड वैल्यूज रो क्वेश्चन नेके आसीबी आपण माने टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जांतु मेन चैनल रश्मि ट्यूटोरियल जॉइन हो जांतु ता सहित प्लस 3 ग्रुप रे भी जॉइन हो जांतु आपण मानको पीडीएफ मिल जिवो सेठी ठीक अच्छे मु दुईटा जाकर लिंक दे देबी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे आपण माने जॉइन हो जांतु जदि किछि आज रे क्लास रे आपण मानकर डाउट रहूची आपण माने मते कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पचार पारे मुझ निश्चित आपण मानकर डाउट क्लियर करेंगे आज क्लास आम ये रखा थैंक यू।